पांच मैचों की श्रृंखला की शुरुआत T20 में प्रभावशाली जीत दर्ज करने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई ली। भारतीय टीम सोमवार को दूसरे मैच में वेस्टइंडीज पर अपना दबदबा बरकरार रखने उतरेगी। इस साल होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए भारतीय टीम इस प्रारूप के किसी भी मैच को हल्के में नहीं लेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरुआती T20 मैच में दोनों देशों के बीच खेल के हर विभाग में बड़ा अंतर देखने को मिला। रोहित ने रवि जडेजा और रविचंद्रन अश्विन और रवि बिश्नोई जैसे तीन स्पिनरों को अंतिम एकादश में शामिल किया। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ पारी की आगाज कर सबको चौंका दिया। इंग्लैंड के खिलाफ इस प्रारूप में रोहित ने विकेट की बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ पारी का आगाज किया था। ऐसे में सूर्य कुमार इस साल T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के साथ में बल्लेबाज बने। लोकेश राहुल की गैर मौजूदगी में यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन सलाइम बल्लेबाज के लिए प्रयोग करना जारी रखेगा। भारतीय टीम को बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी की कमी खल रही थी, लेकिन अशदीप ने शुरुआती T20 में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से प्रभावित किया।